देखो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के एग्जांपल्स में इसको अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ सिखाने के लिए है, लेकिन अदरवाइज आपको ये याद कुछ नहीं करना। देखो सपोज करो एक बॉल है, और मैं कौन से एग्जांपल ले रहा हूँ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मेरे को भी मालूम है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E1 होता है, तो कोई एनर्जी लॉस तो है नहीं। तो मान लो ये बॉल यू की वेलोसिटी से आई, तो यू वन यू है, दीवार है, दीवार सेकेंड बॉडी है, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी यू टू क्या है, जीरो। टक्कर होने के बाद भी वॉल फिर से किस पे रहेगी, एट रेस्ट, तो इसका यू टू भी जीरो और वी टू भी जीरो। और ये जो बॉल है यू वन से आई और वी वन से वापस चली गई, तो मान लो ये वी वन से वापस चली गई, और सपोज करो मेरे को क्वेश्चन में वी वन निकालना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, वैसे तो कॉमन सेंस है, एनर्जी लॉस तो है ही नहीं, तो सबको पता है कि यू से जाएगी यू से वापस आएगी, एनर्जी लॉस तो है ही नहीं ना, तो यू से गई यू से वापस आएगी। पर मैं मैथमेटिकली रेस्टिट्यूशन से प्रूव करना चाहता हूं, तो मैंने रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिख लिया। रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले में यू टू और वी टू को उठा के क्या पुट कर दिया, जीरो, और यू वन को क्या पुट किया, यू, यू वन को यू, रेस्टिट्यूशन को क्या पुट किया, वन, तो वी वन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस यू, माइनस साइन क्या कर रहा है, रीबाउंड, कि डायरेक्शन हैज चेंज्ड। तो ये आपको याद नहीं करना, ये तो अंडरस्टूड है कि अगर इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और एनर्जी लॉस नहीं है, तो कोई भी बॉल अगर यू से जाएगी यू से ही वापस आएगी, बातें खत्म है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ई की वैल्यू वन की एप्लीकेशन दिखाई है कि कैसे ई की वैल्यू वन आपको इसके साथ आंसर देती है। अब अगर बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में पता है क्या होता है, ये बॉल चिपक जाएगी इसके साथ, तो ये तो पहली रेस्ट पे थी, बाद में भी रेस्ट पे है, और बॉल भी रेस्ट पे आ जाएगी, तो V2 और V1 दोनों जीरो हो जाएंगे, रुक जाएंगे दोनों के दोनों, तो रेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो। ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E जीरो होता है, बात ही खत्म है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में ये नहीं पढ़ना आपने, ये सब समझाने के लिए है, आपको एक शॉर्टकट सीखना है। इन इलास्टिक कोलिजन में मान लो एक बॉल आती है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, आप ये ना समझें कि यू इसकी हवा में वेलोसिटी है, नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन है, नहीं नहीं, आप ऐसे एरो बड़ा कर लें, तो ये हिट करती है ग्राउंड को विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, और इसमें रेस्टिट्यूशन गिवन है ई, ग्राउंड का रेस्टिट्यूशन देने का मतलब ही है कि एनर्जी लॉस है, तो ये कौन सी कैटेगरी ऑफ कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। तो आपको ये बताना है कि जाने की वेलोसिटी क्या होगी, अब ग्राउंड पहले भी रेस्ट पे बाद में भी रेस्ट पे, तो U2 V2 दोनों जीरो, तो बॉल की U1 की वैल्यू पता है और आपको V1 बताना है, रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिख लें, रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले में V2 और U2 को उठा के क्या पुट कर लें, जीरो, तो रेस्टिट्यूशन में V2 U2 क्या पुट करें, जीरो, U1 की जगह क्या पुट करें, U, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, U पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा, माइनस E इंटू U, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि बॉल अपनी डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज, नीचे आ रही है तो ऊपर जाएगी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E इंटू यू, E इंटू यू। जैसे ये कुछ याद नहीं करना आपने, आपने इस रिजल्ट को कैसे लगाना है इसको समझें, न्यूमेरिकल सीधा गिवन होगा, ये कुछ नहीं लगाना आपने, न्यूमेरिकल गिवन होगा, आपके पास ये बॉल हिट करेगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, रेस्टिट्यूशन कितना गिवन है, हाफ, तो मैं आपसे सीधा पूछूंगा बताओ जाने की वेलोसिटी क्या होगी, आपने वेलोसिटी आने की 3 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, ई से, तो जाने की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 × 3, यानी कि 3/2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, साइन माइनस लगाना है माइनस लगा दो, नहीं तो वैसे ही बता दो कि रीबाउंड करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ ई इंटू 3। तो एक सेकेंड एग्जाम्पल बताओ, अगर एक बॉल को मैं दीवार पर हिट करता हूँ विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और रेस्टिट्यूशन दीवार का 1/3, तो वापस आने की वेलोसिटी क्या होगी, 1/3 × 10, बस E टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो E क्या हो जाएगा, 1, तो अगर 10 की वेलोसिटी से फेंकता हूं तो E इंटू 10, 1 × 10, 10 से वापस आ जाएगी। तो समझ में आ रहा है ये रिजल्ट, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपने बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिरा, ग्राउंड का रेस्टिट्यूशन गिवन होगा क्वेश्चन में 1/5 या जो भी होगा, वापस आने की वेलोसिटी आपने ई टाइम कर देनी है, क्या ये रिजल्ट याद रहेगा, कोई डाउट इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक?